गुड आफ्टरनून। 11th क्लास चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं या ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप को एक्सप्लेन किया था, और तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। बच्चों जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं या सेल्स हैं इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। कुछ एक बातें और हैं इसकी, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आज आपको, कि जो आरबीसी है डीन्यूक्लिएटेड है, सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव होती है। जो आरबीसी है इनके अंदर बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज ये नहीं पाए जाते। ये नीट का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाती आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पाया जाता है आरबीसी के अंदर, लेकिन क्रैब साइकिल नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक तो है हीम और एक है ग्लोबिन। जो हीम पार्ट है उसके अंदर आयरन होता है, जिसकी प्लस आयरन प्लस टू स्टेट में होता है, और जो ग्लोबिन है ये लॉन्ग चेन प्रोटीन, लॉन्ग प्रोटीन की चेन्स होती है। ये चेन चार प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है बच्चों। और इनमें 141 से लेकर, जैसे कि जो अल्फा ग्लोबिन की चेन है उसमें 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, जो बीटा गामा और डेल्टा ग्लोबिन चेन होती है उनके अंदर 146 ऐसे करके जो है प्रोटीन की चेन्स होती है ग्लोबिन प्रोटीन की। और जो हीमोग्लोबिन है उनके अंदर टोटल चार प्रोटीन की चेन्स पाई जाती हैं, दो अल्फा प्लस दो बीटा, या दो अल्फा प्लस दो गामा, या दो अल्फा प्लस दो डेल्टा चेन्स पाई जाती हैं। तो ये बच्चों पार्ट था। और जो आरबीसीज होती हैं उनकी मेम्ब्रेन को हम डोनन मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इस ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है, और इस मेम्ब्रेन से बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज होके या क्लोराइड आयन डिफ्यूज होके सेल के अंदर या बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे सॉल्ट्स हैं जिसके सोडियम है, ये सोडियम वगैरह ये जो है डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो इसे हम डोनन फिनोमेना कहते हैं। और आरबीसी की मेम्ब्रेन को डोनन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनन मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा था आरबीसी के बारे में। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। कल मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी जो है दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का नंबर 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब होता है, और जब भी बॉडी में इंफेक्शन होता है तो इनका नंबर राइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने दो टाइप बताए थे, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो इओसिनोफिल्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस में हमें प्रोटेक्ट करती हैं, एलर्जिक रेस्पॉन्स के समय इनका रोल होता है, ठीक है। जो बेसोफिल्स हैं वो हिपेरिन, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन रिलीज करती हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो फेगोसाइटिक होती हैं, इनका नंबर ज्यादा होता है, 60-65% पार्ट होता है इनका, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के अलावा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस लॉक्ड होते हैं। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस छोटा या बड़ा हो सकता है साइज में। ये दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स हैं वो फेगोसाइटिक होती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये इनका जो साइटोप्लाज्म है पेरिफेरल होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है इनका। तो लिम्फोसाइट सेल्स दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इन्हें हम किलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पैथोजन को, फॉरेन एजेंट को डायरेक्टली किल कर सकता है, या फिर इन्हें हम टी हेल्पर सेल या मेमोरी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की मेमोरी को ये रिटेन करता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करती है, यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करती है, इंड्यूस करती है एंटीबॉडीज के बनाने के लिए, और एंटीबॉडीज फिर पैथोजन से या इंफेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। तो ये बच्चों डब्ल्यूबीसीज का पार्ट था। लाइफ स्पान आरबीसी का 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसीज का 1-100 डेज हो सकता है, ठीक है। फिर लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैन, ठीक है।
जो बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं उनके फ्रेगमेंटेशन से, उनके डिवीजन से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स भी डीन्यूक्लिएटेड होती हैं, डिस्क लाइक ये सेल्स होती हैं। इनका नंबर 1.5 लाख से 4 लाख पर एमएम क्यूब तक होता है। और जो इंजर्ड जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये रिपेयर करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी और आज मैंने एक बार फिर से बताया, थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा भी बता दी हैं। इनका लाइफ स्पान 3 to 7 डेज होता है। आरबीसी भी बोन मेरो में बनती है, लेकिन जब फीटस माँ के यूट्रस में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस समय जो आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर भी करता है, स्प्लीन भी करता है, प्लेसेंटा भी करता है। ठीक है, लेकिन अडल्ट के अंदर बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन को, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं क्योंकि वहां पर आरबीसी स्टोर भी होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मेरो की सेल से ही होता है। डब्ल्यूबीसीज का बोन मेरो में भी होता है फॉर्मेशन, और जो लिम्फ ग्लैंड या लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वहां पर भी इनका फॉर्मेशन होता है। आज बच्चों में जो नया टॉपिक ले रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ब्लड ग्रुप्स का है। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं उनकी डिटेल देने वाला हूं, और आप बने रहना क्लास के अंदर।
बच्चों ध्यान से देखिए, वैसे आपको बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर टेबुलर फॉर्म में पता चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा ब्लड ग्रुप्स को। ध्यान से सुनना और समझना बच्चों, हमारे अंदर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ध्यान से सुनना, इनको डिस्कवर किसने किया था, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ईयर 1900 में उन्होंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, ए बी ए बी और ओ। ए बी ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप, और ये ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है एंटीजन के बेस पर। ठीक है, जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। एंटीजन कोई भी है ब्लड ग्रुप का, वो आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। बच्चों जो ब्लड ग्रुप ए है, इनमें इनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन ए पाया जाता है, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटी बी, प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटी बी को मैंने स्मॉल बी से शो कर दिया। ठीक है, एंटी बी क्या है? ये एंटीबॉडीज है जो कि ब्लड प्लाज्मा में होती है, और आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, सेकंड लेते हैं बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के अंदर बच्चों एंटीजन है बी, एंटीजन क्या है? बी है। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है स्मॉल ए, इस एंटी ए, मतलब एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके अंदर केवल एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी और बी, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी में एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज पाई जाती है, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो सिर्फ एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीजन एब्सेंट होते हैं। अब बच्चों बात ध्यान से देखना, हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर या सिस्टम ऐसा है कि हमेशा हमारा बॉडी रिजेक्ट करता है किसी भी बाहरी एजेंट को, फॉरेन एजेंट को या बाहरी ऑर्गन को। रिजेक्शन की एबिलिटी होती है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए है तो उसको ए का ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अगर उसको हम बी का ब्लड देंगे तो यहां पर एंटी बी जो एंटीबॉडीज है वो इसका विरोध करेगी। ठीक है, और इनके एंटीजन बी के साथ में क्लॉटिंग कर लेगी, और क्लॉटिंग करके ब्लड को जमा देगी। इसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं? जब इस एंटी बी एंटीबॉडी का रिएक्शन एंटीजन बी से होगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा बॉडी के अंदर। समझ में आ गई बात आपके? और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड की इस तरीके से क्लॉटिंग हो जाना, रिएक्शन होना और क्लॉटिंग हो जाना, ये क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, हम ए को ए का ही ब्लड दे सकते हैं। अगर बी का देंगे तो यहां जो मौजूद एंटीबॉडी एंटी बी जो एंटीबॉडी है वो यहां पर एंटीजन बी का विरोध करेगी और क्लॉटिंग कर लेगी और ब्लड जम जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये तो किसी भी ब्लड का विरोध नहीं करती है। तो इनको चाहे किसका भी ब्लड दे दो तो ये रिजेक्ट नहीं करेगी और क्लॉटिंग एग्लूटिनेशन नहीं होगा और व्यक्ति को दिक्कत नहीं आएगी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, फिर लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप। बच्चों ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते, सिर्फ एंटीबॉडीज होती है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? यूनिवर्सल डोनर है। ओके, इज इट क्लियर? ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सिर्फ ओ का ही ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया है तो एक बार हाथ ऊपर कर दें, हैंड रेज कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो ब्लड ग्रुप का, क्योंकि फिर इसके आगे का मैं पार्ट आपको बताने वाला हूं। क्लास में बने रहना सारे। चलिए,
हाँ तो बच्चों मैं बात कर रहा था, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांस फ्यूजन, और एक हम लेते हैं एग्लूटिनेशन। ये दोनों ही टर्म मैं समझा देता हूं आपको, फिर अपन लेंगे आरएच एंटीजन, एग्लूटिनेशन। जी ध्यान से सुनिए और समझिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है कि जब किसी व्यक्ति की इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, बॉडी से ब्लड बह जाता है और बॉडी को ब्लड की जब जरूरत होती है, तब तो डायरेक्टली जब हॉस्पिटल्स के अंदर किसी पेशेंट को ब्लड दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड मैच किया जाता है कि सेम ब्लड ग्रुप है या नहीं है, और उसके अलावा कोई इन्फेक्शियस ब्लड तो नहीं है, तो ये सारी चेकअप होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं। एग्लूटिनेशन क्या है, अगर किसी ब्लड ग्रुप, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है या बी है, और उसको डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो उसकी बॉडी में जो पेशेंट की बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो फॉरेन ब्लड के एंटीजन से रिएक्शन करेगी और फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड बॉडी में जम जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, ये बॉडी के अंदर इस तरीके से, इसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन, और ध्यान से देखिए बच्चों, आरएच एंटीजन क्या है, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने एक नया एंटीजन डिस्कवर किया, जिसकी सिमिलैरिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर, जिसकी डिस्कवर किया, जिसकी सिमिलैरिटी जो मकाका रिसस जो मंकी है उसके एंटीजन से वो सिमिलैरिटी शो कर रहा था, ठीक है। मकाका रिसस बंदर के आरएच एंटीजन से जो है सिमिलैरिटी शो कर रहा था, तो इसीलिए इस एंटीजन को हम कहते हैं रीसस एंटीजन। क्या कहते हैं, रीसस एंटीजन कहते हैं, ठीक है, रीसस एंटीजन, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच एंटीजन पाया जाता है, जिस भी व्यक्ति के ब्लड में आरएच एंटीजन पाया जाता है, तो उसके ब्लड को हम पॉजिटिव कहते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, ठीक है। और जिसके ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, एंड ओ नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। और जिनमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। इंडिया के अंदर 97% जो पॉपुलेशन है उनके अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, 97% पॉपुलेशन में, और 3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन के अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है, 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों एक अलग केस की बात करते हैं, सपोज करो एक फादर, एक व्यक्ति है, एक मेल है जिसकी मैरिज एक ऐसी लेडी से होती है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। ध्यान रखना आरएच एंटीजन का जो एलील होता है, जीन जो होता है डोमिनेंट होता है, आरएच एंटीजन का एलील या जीन क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, आरएच एंटीजन है उसके अंदर, और उसकी मैरिज ऐसी लेडी से होती है, ऐसी महिला से हो जाती है जिसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है। तो
तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बच्चा होगा उनके गर्भ में, तो श्योरली वो आरएच पॉजिटिव होगा, क्योंकि फादर के अंदर डोमिनेंट एलील है, ये आरएच एंटीजन का एलील डोमिनेंट होता है। तो जो बच्चा है, जब भी लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उनका जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव ब्लड वाला ही होगा। तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय जब गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रसव काल पूरा हो जाएगा और डिलीवरी के समय जो है बच्चे का जो ब्लड है, थोड़ा ब्लड का कुछ पार्ट मदर के ब्लड से इंटरेक्ट करेगा, तो पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी, पहला बच्चा नॉर्मल रहेगा। लेकिन पहली डिलीवरी के समय जो ब्लड बच्चे का इंटरेक्ट होता है मदर के ब्लड से, है ना, तो उस समय मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर की बॉडी में ब्लड के अंदर आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आगे बात? अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी दोबारा जब मदर प्रेग्नेंट होगी, तो मदर के ब्लड में मौजूद जो आरएच एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के आरएच एंटीजन से रिएक्शन करेगी और बच्चे का ब्लड में एग्लूटिनेशन हो जाएगा और बच्चे की या तो मदर के यूट्रस में डेथ हो जाएगी या आफ्टर डिलीवरी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों आपको ये तो ध्यान ही होगा कि जब भी आजकल सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में ही होती है, तो ब्लड चेकअप वगैरह सारी चीजें की जाती है, और जब पहले से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उस समय फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद में 72 आवर्स के अंदर जो है एंटीबॉडीज दी जा सकती है मदर को, ठीक है, और इससे नेक्स्ट प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्पिटलिस। जो मैंने केस बताया कि एक आरएच पॉजिटिव व्यक्ति की मैरिज एक आरएच नेगेटिव लेडी से होती है और उनका जो फर्स्ट बच्चा है वो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है कि जो मदर के बॉडी में आरएच एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे की नेक्स्ट बच्चे की ब्लड की आरएच एंटीजन से रिएक्शन करेगी और बच्चे का ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्पिटलिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्पिटलिस। ओके बच्चों, तो यहां तक आपको अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दें। फिर मैं आपको बच्चों ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक समझाने वाला हूं। क्लास मत छोड़ना आप लोग, प्लीज क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना अपने को, क्योंकि एक टॉपिक और मैं फटाफट से करवाना चाहता हूं ब्लड क्लॉटिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी, प्लस एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टीन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टीन, है ना। मैं ये सारी चीजें आपको समझा देता हूं। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज,
और ब्रैकेट में कर लेते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बो थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। इसके बाद में ये लेते हैं यहां पर प्रोथ्रोम्बिन, प्रो थ्रोम्बिन, ये बन गया थ्रोम्बिन। ठीक है, अब लेते हैं फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, यस। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। हाँ ध्यान से देखिए, ब्लड क्लॉटिंग, बच्चों ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है ध्यान से देखना। बच्चों जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, हमारी हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो यहां से रिलीज होता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक प्रोटीन है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लेटलेट्स है वो रिलीज करती है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये दोनों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है प्रोथ्रोम्बिनेज में, प्रोथ्रोम्बिनेज में जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। ये एक एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एक एंजाइम है। इस एंजाइम के कारण से जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन के अंदर, किसमें कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या करती है, फाइब्रिनोजन जो जो लार्ज सॉल्युबल जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है बच्चों, ब्लड में सॉल्युबल प्रोटीन है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है ये, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबल प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल फाइबर्स में, इनसॉल्युबल फाइबर्स में यानी कि फाइब्रिन में, ठीक है। सोल्यूबल फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है फाइब्रिन फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये फाइबर्स क्या करते हैं, हम ब्लड के साथ में हमारा जो घाव है जो गुंड है वहां पर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और इनमें जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो फंस जाती हैं और धीरे धीरे क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से बच्चों ब्लड की क्लोटिंग होती है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बच्चों कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेकंड सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन, ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ओके बच्चों, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट था और नेक्स्ट क्लास में हम, कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, सर्कुलेशन को समझेंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है।